ये बजट सत्र 26 फरवरी से शुरू हो रहा है और लगभग 16 सिटिंग इसमें होगी। 20 मार्च तक ये सेशन चलेगा। पहले दिन माननीय राज्यपाल दत्तात्रेय साहब अभिभाषण के रूप में इस माननीय सदन में अपनी बात रखेंगे। उसके उपरांत अभिभाषण पर चर्चा होगी। 1 मार्च को इस माननीय सदन में जो पिछले दिनों देहावसान जिन सदस्यों का हुआ है, श्रद्धांजलि दी जाएगी। बजट 6 तारीख को प्रस्तुत किया जाएगा और उसके ऊपर भी चर्चा होगी। तो कुल मिलाकर के एक महत्वपूर्ण बजट सेशन किसी भी प्रदेश सरकार का एक आईना रहता है। उसमें अपनी उपलब्धियों को गिनाया जाता है और आने वाले वर्ष का रोड मैप भी तैयार किया जाता है। ये मैं कहना चाहता सर, प्रश्न कितने कराए हैं अभी हूँ। तक? ये बात और पूछिए आप कुछ। सर कहीं सुरक्षा की दृष्टि से कैसे रहेगा? और सर्वदलीय बैठक कब रहेगी? एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक सुरक्षा का है, कोरोना का मामला है, अगर इसकी चर्चा की जाए तो सिर्फ और सिर्फ हमें सुरक्षा एहतियात के रूप में निवेदन आपके माध्यम से पूरे प्रदेश के आगंतुकों से या यहाँ पर जो 16-17 दिन जिन अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, पुलिस कर्मियों ने, विधानसभा के कर्मचारी और अधिकारियों ने अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करना है, हम एक ही अपील कर रहे हैं कि मास्क लगा करके रखें, हाथों को बार बार धोएं, 2 गज की दूरी पर रखें और जहां तक इस परिसर के सुरक्षा के निर्देशों के बारे में अगर मैं कहूं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 5 जो हमारे प्रवेश द्वार हैं वहां पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की गई है। यहां पर जो पत्रकार बंधु आएंगे या माननीय विधायक आएंगे उनको मास्क की व्यवस्था का प्रबंध किया गया है। सैनिटाइज करने की जो शीशियां हैं छोटी वो उनके टेबल्स के ऊपर या जो आएंगे उनको देने का प्रबंध किया गया है। ये मैं कहना चाहता हूँ। और यहाँ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, कोरोना थमा सा जरूर रखता है पर खत्म नहीं हुआ है। कोरोना के मामले कहीं हम कुछ प्रदेशों में अखबारों, टेलीविजन के माध्यम से देख रहे हैं, इसलिए सुरक्षा अति आवश्यक है। आगंतुकों से एक ही अपील है कि वो यहाँ ना पहुँचें, ये एक तरह से निवेदन है। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी से और मुख्यमंत्री मंत्रियों से मिलना चाहते हैं, जो विस्टर एक हॉल है, गैलरी है, जहाँ पर 150 लोगों की व्यवस्था है, वहाँ पर सेशन समाप्त होने के बाद वो मिल सकते हैं इस शर्त के साथ कि वहाँ पर कोई भी भीड़ ना रहे। ये मैं कहना चाहता हूँ। सर थैंक यू। धन्यवाद।